there should be no had a past experience related to this. That's why we are requesting again that the question should be a question only. It should not be discussion on any topic or on any personal agenda. It's a small request. Mic will not be handed over to you. The person who will come to give you the mic for the question, he will hold the mic. You will ask the question and then mic will be taken back. So it's a small request to please keep your question in a question form. Thank you. I would like to hand over the session to Mr. Gandhi. आयोजकों का आभार मानता हूँ और शुक्रिया भी इसलिए और ज्यादा अदा करना चाहता हूँ कि बस दो दिन पहले ही बाकी पुण्यतिथि 75वीं और इस बार योगानुयोग ऐसा हुआ कि महाशिवरात्रि और 22 फरवरी दो दिन आजू बाजू में ही आए तो तिथि और तारीख दोनों का ये एक संगम जैसा हो गया और उसके बस दो दिन बाद ही ये अवसर मिल रहा है ये ज्यादा मेरे लिए कार्य है क्योंकि इस मुल्क के साथ साथ हम जो वंशज है वो भी कसूरवार है कि हमने भी हमेशा अपने आप को बापू के वंशज समझा माना और कस्तूरबा को हम भी नजरअंदाज करते रहे और ये भूल गए कि बापू के जीवन में कस्तूरबा का और भारत की आजादी के इतिहास में बात ताकि आने वाले जो पीढ़ियां हैं उन्हें बा का इतिहास पता चले। बापू ने खुद ने ये बात स्वीकार की थी कि अगर बा ना होती तो शायद जिस मंजिल तक वो पहुंच पाए बापू वहां वो उतनी आसानी से नहीं पहुंच पाते थे क्योंकि बा का जो एक उनके साथ का जो एक लंबा जीवन काल था उसमें बापू के मोहन के हर बदलाव को बा ने महसूस किया सहा समझो एक नए आदमी के साथ हर बार फिर से नया संसार करना पड़े इस हद तक उन बदलावों का जो असर होता था वो बा को झेलना पड़ा और उनमें से भी बापू को हमेशा एक एक सीधे रास्ते पे रखने की जो कोशिश की वो बाने की बापू ने भी ये कहा था कि मेरी जीवन नैया की पतवार कस्तूर थी उन्होंने दूसरे को बहुत छोटी उम्र से पहचाना होगा क्योंकि अगर आप पोरबंदर जाते हैं और देखते हैं तो वो मोहल्ला जहां बापू पैदा हुए और जो जो स्मारक है बापू के नाम का उसके बिल्कुल पीछे ही कस्तूरबा का घर था कस्तूरबा के परिवार का घर था तो कस्तूर और मोहन पड़ोसियों के रूप में ही बड़े हुए होंगे और उनके परिवारों के बीच में संबंध भी हुए होंगे रहे होंगे और ये मुमकिन है कि बचपन में एक साथ खेल कर बड़े हुए होंगे शादी होने तक कम से कम और कितना डरपोक कितना जिसे मराठी में भितरा गए वैसा बच्चा वो मोहन था कस्तूरबा ने देखा होगा क्योंकि मोहन के साथ ये खेल करीबन हर शाम को हुआ करता था कि जब वहां बिजली ना होने के कारण घरों में हर कमरे में दिया जलाना पड़ता था शाम को अंधेरे के वक्त और कई बार ये
काम मोहन को दिया जाता था कि एक मोमबत्ती या एक दिया लेकर जाना और हर कमरे में रोशनी करना, और छोटे मोहन को अंधेरे से भयानक डर लगता था। बापू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है इसके बारे में। उनके बड़े भाइयों का ये खेल होता था कि जब मोहन किसी कमरे में अकेला जाए तो पीछे से आके उसके हाथ का दिया बुझा देना और बाहर निकल के दरवाजा बंद कर देना और मोहन को अंधेरी कोठड़ी में बंद कर देना, और फिर मोहन का कल्पांत, फिर चीखना चिल्लाना गिड़गिड़ाना ये सब होता, पूरे मोहल्ले में गूंज उठता हो। और ये शाम, हर शाम का खेल कस्तूर ने कई बार देखा होगा और सुना होगा, महसूस किया होगा। शायद कभी कभी हमदर्दी से जाके उसने उस रोते हुए मोहन को छुड़वाया भी होगा उधर से, क्योंकि वो बड़ी साहसी, उनकी, मेरे पिताजी ने जो जीवनी लिखी है उसमें उनके बारे में लिखा है कि वो बड़ी साहसी लड़की थी बचपन से ही, और अपने पिता को, बेटे का वो आनंद महसूस करवाती थी। तो शायद ये मुमकिन है कि उस डरपोक रोतल मोहन को बाँ ने देखा होगा, और फिर जब उसके साथ शादी होने की बात 13वें साल में पता चली होती तो शायद कहा भी होगा कि ऐसे रोतले से मैं नहीं करूंगी शादी। ये मुमकिन है कि बच्चे थे, शादी ब्याह क्या होता है ये भी पता नहीं था, पर शादी हुई, फिर संसार। और कस्तूर को उस वक्त की परंपरा, आज की भी परंपरा है कि लड़की को अपना घर छोड़ना पड़ता है, तो उसको पोरबंदर छोड़ के राजकोट जाना पड़ा, जो लड़की कभी शायद अपने मोहल्ले के बाहर नहीं गई थी, जिसकी दुनिया पूरी उसका घर और उसका मोहल्ला था, उसे अब राजकोट जाना था और वहाँ दूसरे परिवार के साथ रहना था, अपने पति के परिवार के साथ। और पति भी एक लड़का जिसको क्या कोई मालूम नहीं था, कुछ किसी भी बात की का ज्ञान नहीं था। तो कस्तूर तो घर के अंदर रहकर घर की भट्टी में पत्नी क्या होती है उसके लेसन सीख रही थी, लेकिन मोहन ने जाके किताब खरीदी पति कैसा होना चाहिए, पति बनने का मैनुअल, और वो पति बनने का मैनुअल पढ़ के वो इख्तियार करता था कस्तूर के ऊपर, पति कैसा होना चाहिए, पति कौन होता है, क्या करता है, ये सब हर रोज एक लेसन पढ़ना और उसका प्रयोग कस्तूर पे करना। तो एक दिन के लेसन में मोहन ने ये पढ़ा कि पत्नी पतिव्रता होनी चाहिए और पति की आज्ञा के बगैर कुछ कर नहीं सकनी चाहिए, अगर करती है तो वो बच्चलन है, उसे सजा करनी चाहिए। तो मोहन ने कस्तूर को कहा कि मैं तुम्हारा पति हूं, इसलिए अब से तुम मेरी बातें सुनोगी और मेरे आज्ञा के सिवा कुछ नहीं कर करोगी तुम। कस्तूर ने कहा कि कहां लिखा है बताओ, तो किताब दिखा दी, देखो इसमें लिखा है ये लेसन नंबर 4, पति की आज्ञा के बाहर पति पत्नी कुछ नहीं कर सकती। तो मेरा पहला हुक्म है कि कल से तुम, मैं देखता हूं कि तुम शाम को घर के बाहर चली जाती हो, तो कल से मेरी आज्ञा के सिवा तुम घर के बाहर नहीं जा सकती, अगर जाना है तो मेरी आज्ञा लेनी पड़ेगी और अगर मैं रजामंदी दूं तो ही तुम बाहर जा सकती हो। दूसरे दिन मोहन ने देखा कि कस्तूर उठी और चली गई बाहर, वापस वार्निंग दी, चेतावनी दी कि नहीं ये ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। फिर भी कोई असर नहीं हुआ। तो तीसरे दिन कहा, पढ़ा कि अब क्या करना चाहिए, पत्नी तो मान नहीं रही, तो उसमें लिखा था कि अगर पत्नी माने नहीं तो सजा करो, और अगर फिर भी नहीं माने
तो उसे मैं के भेज दो। तो मोहन ने कस्तूर को ये चेतावनी दी कि अब की बार अगर तुम चली गई और मेरी बात नहीं मानी तो सजा करूंगा और मैं के भेज दूंगा वापस तुम्हें, जब तक मेरी आज्ञा नहीं मानोगी तब तक आने नहीं दूंगा वापस। और फिर वही अश कस्तूर उठ के चली गई बाहर। तब चौखट पे खड़े होकर मोहन ने पतित्व अपना जमा आजमाया, बोले अब तुम मैं के चली जाओगे, तुम रह नहीं सकती, तुम मेरी बात नहीं मानती। तब कस्तूर ने ये कहा कि ठीक है, अब तुम इतनी सख्ती कर रहे हो तो कल जब तुम्हारी माँ मुझे कहेगी कि कस्तूर चलो मेरे साथ मंदिर जाना है तो मैं उनको कह दूंगी कि जाके पहले मेरे पति की आज्ञा लेके आओ, फिर मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। तो मोहन स्तब्ध हो गया, बोले तुम मेरी माँ को ऐसा कहोगे? तो बोले हाँ, अब तुम कहते हो कि मुझे तुम्हारी आज्ञा माननी है तो मुझे तुम्हारी माँ को कहना पड़ेगा कि मैं मेरे पति की आज्ञा के बाहर नहीं जा सकती, इसलिए अगर वो चाहती है कि वो मैं उनके साथ मंदिर जाऊं तो फिर उन्होंने तुम्हारे पास आके तुम्हारी आज्ञा लेनी पड़ेगी, तुम्हारे परमिशन मांगनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ये तो मेरी माँ का अपमान हो जाएगा, तुम डिसाइड करो मैं क्या करूं, तुम्हारी बात मानू या तुम्हारी माँ का अपमान करूं, मुझसे दोनों नहीं हो सकेगा। बापू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि ये सविनय आज्ञा भंग का सबसे पहला पाठ मुझे पढ़ाया गया और अहिंसक आंदोलन कैसे किया जा सकता है, सत्याग्रह कैसे किया जा सकता है, बापू ने कस्तूरबा को सत्याग्रह का अपना गुरु माना, अपनी आत्मकथा में लिखा है उन्होंने ये बात। अनफॉर्चुनेटली हम इन चीजों को भुला दे जा रहे हैं क्योंकि ये हमारी इंसानी फितरत होती है कि किसी एक हीरो को हम मान ले तो फिर उसके सिवा किसी और को हम मानते नहीं, उनके बारे में उन्हें जो महत्व देना चाहिए वो देते नहीं। मैं जब बात ये करूंगा तब आपको लगेगा कि शायद मैं बापू को हल्का दिखा रहा हूं। बापू को कोई हल्का दिखा नहीं सकता क्योंकि जो उन्होंने किया वो अद्भुत है। मेरे जीवन का मकसद हमेशा ये रहा है कि मैं मोहनदास को एक सामान्य इंसान के रूप में लोगों के सामने लाऊं, क्योंकि जब महात्मा की बात होती है तो हम सिर्फ भक्ति करते हैं और फिर भक्ति करने के बाद अपने आप को ये कन्विंस कर लेते हैं हम कि भाई वो महात्मा थे, दिव्य थे, इसलिए ये सब कर सकते थे, हम तुच्छ पावर जीव है इसलिए हम इसमें से कुछ करने के लायक नहीं है, हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए ऐसा करने की क्योंकि वो तो अवतारी पुरुष थे। और इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं मोहनदास को महात्मा की गिरफ्त में से आजाद करने का मेरा जीवन का मकसद है। और इसलिए ये आप ये जरूर ध्यान रखिए कि मैं आज कस्तूर की कहानी कह रहा हूं, इसलिए कस्तूर की नजर से मेरे पिताजी और माँ ने भी कस्तूर की जीवनी लिखी है, सबसे पहली कस्तूर की जीवनी उन्होंने ही लिखी थी, पर मेरे माँ और पिताजी के साथ ये प्रश्न है कि उन्होंने भी कहानी जो लिखी वो मोहनदास की पत्नी की लिखी। कस्तूरबा के साथ सबसे बड़ा अन्याय ये हुआ है कि उनको कभी किसी ने व्यक्ति के रूप में देखा ही नहीं, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की दादी, इसी के रूप में वो देखी गई थी। एक व्यक्ति के रूप स्वरूप में उनका जो किरदार था ये समझना बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ ये जानना कि अगर उस औरत में कोई
अलौकिक शक्ति ना होती तो ये मुमकिन नहीं था कि वो जिस भट्टी में सुलझी रही सुलझती रही जिंदगी भर उस तपस्या में से वो बाहर निकल सकती और जी सकती। मोहन महात्मा के सफर में कई मकानों पर उन्होंने एकदम से दिशा अपनी बदल ली जीवन की और अलग ही बन गए, अलग ही स्वरूप में वो सामने आ गए। और कस्तूरबा की मजबूरी थी, कस्तूर की मजबूरी थी कि उसे उन सारे स्वरूपों के साथ अपना संसार करते रहना पड़ा। उसकी शादी एक मर्द के साथ हुई पर उसको संसार कई उसी एक मर्द के कई विपरीत और विभिन्न स्वरूपों के साथ अवतारों के साथ करने पड़े, जैसे कि कोई अलग ही पुरुष हर वक्त हो। ये बहुत मुश्किल चीज है, सामान्य स्त्री ये नहीं कर सकती, आज के जमाने में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कितने सारे रिश्ते टूट जाते हैं इस बात पर के I don't recognize who you are anymore. तुम बदल गए। और ये तो शेमिलियन की तरह बदलता रहा पूरी जिंदगी और हर रंग हर रूप के साथ संसार करना, कितना धैर्य कितनी शक्ति कितना संयम उस औरत में होगा ये समझना बहुत जरूरी है। ये कह देना कि वो गुलाम थी और गुलामी कर रही थी, मजबूर थी, उसकी लाचार औरत थी, ये गलत हो, क्योंकि कोई भी औरत कितनी भी लाचार क्यों ना हो इतनी मजबूर नहीं हो सकती। अगर उस रिश्ते में जो प्यार का की ताकत थी, जो प्यार के बंधन थे, वो उतने मजबूत ना होते तो। और इसलिए जब मैं कस्तूर की कहानी कह रहा हूं तो ये मत समझिएगा कि मैं मोहन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उस बदलते इंसान के साथ के संसार की बात आपके साथ करना चाहता हूं और उसका असर क्या होता है वो अगर हम समझे तो हम सही मायने में उस रिश्ते को समझ सकेंगे और उस रिश्ते की जो महानता थी उसको हम समझ पाएंगे। तो आप देखिए कि कैसे कैसे कस्तूर को मोहन के साथ रिश्ता निभाना पड़ा। एक दीवान एक 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 नगर सेठ की बेटी जिसके पिता का कारोबार इतना विस्तृत था कि उसके जहाज उसके पिता के मालिकी के जहाज पोरबंदर से कलकत्ता और ईडन तक व्यापार करते थे, उस जमाने में उनकी हुंडी चलती थी। जो विदेश जाने वाले जो व्यापारी थे वो उनकी हुंडी ले जाते थे विदेश में और विदेश में उस हुंडी के जोर पर उनको पैसे दिए जाते थे, वापसी में भी वही सिलसिला होता था। यानी फॉरेन एक्सचेंज बैंक, आज मनी ट्रांसफर की जो बात करते हैं, तब के जमाने में कस्तूरबा के पिता की ये इतनी जाहो चला रही थी। गांधी परिवार से कई गुना ज्यादा अमीर परिवार में से हुआ ही थी। हाँ, गांधी परिवार की का पद ज्यादा ऊपरी था क्योंकि करमचंद बापा और उसके बाद पहले उत्तम चंद बापा दोनों दीवान थे, प्राइम मिनिस्टर्स पोरबंदर स्टेट के। करमचंद बापा पहले पोरबंदर स्टेट के प्राइम मिनिस्टर थे, दीवान थे, और फिर राजकोट के दीवान बने। यानी बहुत एस्टीम्ड फैमिली में थी पर वक्त बदल रहा था और वो जो राजा का दरबार था उसका स्वरूप भी बदल रहा था। 1857 हो गया था, अंग्रेज का राज हिंदुस्तान पे आ गया था और इसलिए अंग्रेजों का पॉलिटिक्स राजाओं के पॉलिटिक्स के ऊपर हावी हो गया था
और ये सबको एहसास हो गया था कि अब अगर राजा की नौकरी करनी है तो अंग्रेज की मर्जी से करनी पड़ेगी। इसलिए करमचंद बापा के देहांत के बाद पहले ही ये तय हो गया था, क्योंकि बड़े दो बेटे जो थे वो काबिल नहीं थे तो उनको मामूली नौकरियां मिली थी, तो दीवान की गादी दोनों स्टेट्स में संभालनी थी, पोरबंदर में भी और राजकोट में भी। पोरबंदर में तो करमचंद बापा के छोटे भाई दीवान बन गए थे, राजकोट महत्वपूर्ण था काठियावाड़ में, इसलिए उसे परिवार में रखना महत्वपूर्ण था। इसलिए ये तय हुआ कि अब पूरा दारोमदार मोहन के ऊपर है, और इसलिए इसने पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे तैसे राजकोट में देशी मैट्रिक जो बोलते थे वो मोहन ने पास कर लिया, तब चलते करमचंद बाबा का देहांत भी हो गया। मैं सारी बातें नहीं करना चाहता हूँ, थोड़ी जो मेरे लिए महत्व की बातें हैं वो करना चाहता हूँ आपके साथ, ताकि उस रिश्ते का महत्व आपको पता चले। और एक बहुत अहम कथा जो बापू ने खुद ने लिखी है अपनी जीवनी में, वो उनकी चोरी का मामला, कि अपने व्यसनों को निभाने के लिए, उनके और उनके भाई के व्यसनों को निभाने के लिए आखिर में उन्होंने अपने पिताजी के कड़े में से सोने का एक लिंक चुरा कर बेच कर पैसा कमाया था, पर दिल उनका खटक रहा था कि ये मैंने गलत किया है और इसका प्रायश्चित करना चाहिए, पर हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पिताजी का तेज कड़क स्वभाव पूरा परिवार जानता था और उनकी सजा से सबको डर भी लगता था। इसलिए पिताजी के पास जाकर इस कबूली करने की ताकत मोहन में हो नहीं सकती थी, क्योंकि तब तक जो जिंदगी में मोहन ने दिखाया था उसमें कभी भी उसने कहीं पर भी ऐसी कोई फितरत दिखाई नहीं थी कि वो साहस करने के लायक था। मेरा मानना है कि ये बात का कन्फेशन उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी कस्तूर को किया और पश्चाताप दर्शाया होगा कि मुझसे ये गलती हुई है और मुझे बहुत पश्चाताप है, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। और मेरा ये मानना है कि कस्तूर ने उन्हें कन्विंस किया होगा कि मुझसे खेद प्रदर्शन करने से कुछ फायदा नहीं है, तुमने मुझसे गलती नहीं की है, तुमने गलती तुम्हारे पिता से की है, चोरी तुम्हारे पिता की है, तो जाके उनको ये कहो अपनी चोरी कबूल करो, अपनी गलती मान लो और माफी की याचना करो। और इसीलिए मोहन, जिसको बोलने में काफी झिझकाहट होती थी, उसने वो पत्र लिखा होगा ऐसा मैं मानता हूं, जो उसने करमचंद बाबा को दिया। और हमेशा जब भी उस दृश्य का एक आंखों के सामने आता है तो लगता है, और कॉमिक बुक्स में खाट पे सोए हुए हैं और उनके छाती पे वो पत्र पड़ा, दोनों की आंखों में से आंसू बह जा रहे हैं, पर मैं जिस तरह से उसको देखता हूं उसमें मैं ये देखता हूं कि मोहन के पीछे कस्तूर खड़ी हो, ये तय करने के लिए कि आखिरी वक्त कहीं मोहन डर के मारे जो निश्चय किया है उससे डर न हिल ना जाए, और उस ताकत की वजह से मोहन वो साहस कर पाया होगा कि अपने पिता को अपनी गलती की कबूली करे। क्योंकि उस वक्त तक छोटे मोहन ने कभी भी अपने किरदार में ऐसी कोई हमें साइन नहीं दिखाई थी कि हम माने कि वो एकदम से इतना आत्मबल ला सका होगा। पर कस्तूर का किरदार अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि शी वॉज मच मच्योर बियॉन्ड हर इयर्स। जो लड़कियां जो इन हालात में चली जाती है, जिनको
जल्दी से संसार करना पड़ता है। ये मेरे पास आधार नहीं है, लेकिन ये मेरा इंटरप्रिटेशन है कि ये बात इसी तरह से हुई होगी, क्योंकि हर बार जब मोहन विचलित हुआ तो कस्तूर का सहारा उसने लिया, और हर बार कस्तूर ने उसे वो सहारा दिया। तो बाप पिता के देहांत के बाद मोहन की देशी मैट्रिक खत्म हुई, और अब क्या करना है, तो कॉलेज नए नए शुरू हुए थे, कॉलेज अंग्रेज पढ़ाई होती थी उसमें, तो भावनगर की श्यामादास कॉलेज में मोहन का दाखिला हुआ, और पढ़ने के लिए भावनगर की श्यामादास कॉलेज में उसको भेज दिया गया कि वहां से पढ़ के आएगा, उसके बाद दरबार में नौकरी लग जाएगी उसकी, अंग्रेजी सीख के आएगा। पर नतीजा क्या हुआ, महज 6 महीने के बाद, आधी टर्म जैसे वैसे कंप्लीट करने के बाद, एक दिन पढ़ाई लिखाई छोड़ के मोहन कॉलेज से बिस्तरा बोरिया बांध के वापस पलायन हो गया और घर आया, और आके कह दिया कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता, ये पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है, मैंने छोड़ दी और मैं वापस नहीं जाऊंगा। अब सोचिए, परिवार का आखिरी एक आधार, भरोसा कि ये लड़का कुछ कर दिखाएगा, बस उसी के ऊपर हमारा आधार है, और ये भी बड़े भाइयों की तरह पढ़ाई छोड़कर भाग के चला है। अब क्या किया जाए, तो हर रोज कोई नया नुस्खा, ये करूंगा वो करूंगा। एक दिन आके कह दिया कि मुझे डॉक्टर ही बहुत पसंद है, मैं डॉक्टर बनूंगा। तो वो मां ने मना किया कि हम वैष्णव हैं और डॉक्टरी की पढ़ाई में मुर्दों की चीर फाड़ करनी पड़ती है, खून हड्डियां मांस के साथ काम करना पड़ता है, हम वैष्णव वो नहीं कर सकते, इसलिए वो मां की मनाही हो गई। तो अब क्या किया जाए, तो एक दिन आके ये कहा कि अब मैं लंदन जाऊंगा पढ़ाई करने, जो लड़का भावनगर से भाग के आया था वो अब लंदन जाके पढ़ाई करने वाला था, और परिवार ने ये मानना था कि हाँ मैंने तय कर लिया है ना, तो मैं जाऊंगा भले मैं भावनगर से भाग के आया हूं। शायद परिवार ने भी उसको कबूल इसलिए किया होगा कि भावनगर से तो भाग के आना आसान था, लंदन से तो भाग के आ नहीं पाएगा, तो एक बार जाएगा तो कुछ ना कुछ तो करके ही आएगा। परिवार के जो शुभचिंतक थे उसमें से भी एक ने कहा कि हाँ, बदलते वक्त के साथ अगर वो विलायत से कानून की पढ़ाई करके आता है तो अंग्रेज कानून का वो एक्सपर्ट हो जाएगा, और अंग्रेज हुकूमत के साथ काम करना, नौकरी मिलना आसान हो जाएगा, शायद यहाँ का जो ब्रिटिश एजेंट है वो उसे दीवानगी भी दे दे और दीवान बना ले, तो बेहतर है कि इसे लंदन भेजा जाए। तो फैसला हुआ कि लंदन भेजेंगे इसे, पर जो मोडवानिक कम्युनिटी थी वो बहुत ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी थी, तो उन्होंने उस जमाने का फतवा जाहिर किया कि हमारे धर्म में, हमारी जाति में 7 समुंदर पार नहीं कर सकते, वो पाप है, इसलिए हम मोहनदास के ऊपर ये बहिष्कार डालेंगे, अगर वो 7 समुंदर पार जाएगा तो ना सिर्फ उसके ऊपर बहिष्कार होगा लेकिन पूरे गांधी परिवार के ऊपर बहिष्कार हो जाएगा। तो जो एक आशा थी कि हमारी नाती में से जो पैसे वाले लोग हैं वो हमें पैसा देंगे मोहन की पढ़ाई के लिए, वो भी लुप्त हो गई, वो भी आशा छूट गई, क्योंकि जाति ने तो पाबंदी लगा दी थी, बहिष्कार डिक्लेयर कर दिया। अगर मोहन ने कहा कि नहीं मैं ये सब नहीं मानता हूं, मैं तो जाऊंगा लड़ना, तो जो थोड़ी बहुत घर में पैसा था, दागीने थे, उसका जुगाड़ किया, पर वो कुछ काफी नहीं थे, क्योंकि करमचंद बाबा की बीमारी के कारण आमदनी बहुत वक्त से बंद हो गई थी घर की।
एक ही आशा थी, एक ही सेवियर था उस वक्त, कस्तूर के गहने। कस्तूर के ही गहने मोहन को विलायत भेजने के लिए थे, क्योंकि कस्तूर के पिता ने अपनी बेटी को बहुत सारे गहने दिए थे, बेशकीमती गहने दिए थे, पर परिवार तो मांगता नहीं कस्तूर से। पर कस्तूर कोई पदाई तो थी नहीं परिवार के लिए, इसलिए जब उसने देखा कि ये मुझसे मांगते नहीं है, लेकिन अगर मैं नहीं दूंगी तो मोहन पढ़ने भी नहीं जा सकेगा, तो वो अपने गहने उतार कर देती है कि ये मेरे किस काम के, अगर मेरे पति की पढ़ाई के काम में आते हैं तो ये बेहतर होंगे, मैं कहां पहन के जाने वाली हूं उनको वैसे भी। और इस तरह से मोहन की पढ़ाई फाइनेंस होती है, क्योंकि और किसी भी जगह से मदद मिलने की आशा या उम्मीद नहीं रही थी। तो छोटी कस्तूर, अभी वो भी 16-17 साल की होगी, तभी तभी ससुर की मौत के साथ साथ अपने पहले बच्चे की मौत का भी शोक बना रही थी। वो पहली प्रेगनेंसी टर्मिनेट उसकी हो गई थी, उसने ये भी एक देखा कि इसके बगैर कोई चारा ही नहीं, और मोहन की विलायत जाने का जो ये था मौका था उसको मिल गया, और सारी चीजों का इंतजाम कर दिया गया। वकील बनने के लिए जाना था, लेकिन एक चिंता भी थी, क्योंकि उस जमाने में विलायत जाने वाले लड़के ज्यादातर अंग्रेज होके वापस आते भी तो अंग्रेज होकर वापस आते, और अपने साथ तीन बुराइयां जो उस जमाने में बुराइयां मानी जाती थी वो बुराइयां लेके आते थे। दो बुरी आदतें, मीट खाना, दारू पीना, और बहाना ये होता था कि वहां की ठंड में वो दो चीजों के बगैर जिया नहीं जाता, और तीसरा सबसे घोर पाप साथ विलायती मंडम लाना। ये एक वही हो गया था, दस्तूर ही हो गया था कि लड़का अगर गया विलायत या तो आएगा नहीं, और आएगा तो मैडम के साथ आएगा, गोरी साथ में लेके आएगा। तो इसके ऊपर उपाय वो तीन प्रतिज्ञा वाला निकलता। अब मेरा मानना ये है कि पहली दो प्रतिज्ञा है तो मोहन माँ को देता है, पहले दो वचन तो मोहन माँ को देता है, पर विलायती मडम नहीं लाने का वचन कोई अपनी मां को क्यों दे, शादीशुदा जो आदमी है, क्योंकि वो तो जानता है ना कि मैं गोरी लेके भी आऊंगा तो साल भर के लिए मां रुसवाई करेगी, उसके बाद तो उसको वो अपनाना ही पड़ेगा, उसकी बहू को थोड़ी छोड़ेगी, आखिर मैंने उसको लाया है। तो मेरा ये मानना है कि पहले दो वचन अपनी मां को देने के बाद तीसरा जो तीसरी प्रतिज्ञा बापू ने की कि मैं वहां औरतों से भी दूर रहूंगा, वो कस्तूर को आश्वासन था कि तू बेफिक्र रह, चाहे कितना भी प्रलोभन क्यों ना हो मैं तेरे लिए वापस आऊंगा, क्योंकि वो आश्वासन की जरूरत तो कस्तूर को थी, पुतली को पुतली बात को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था उसे, उसका बेटा तो उसका रहने ही वाला था, चाहे गोरी के साथ रहे चाहे देसी के साथ रहे, बेटा तो उसका रहने ही वाला था। और इसलिए मुझे ये लगता है कि उन्होंने वो आश्वासन, बापू ने वो प्रतिज्ञा मां के सामने जरूर की होगी, लेकिन वो आश्वासन अपनी पत्नी को दिया था कि मैं जाता हूं, मैं तुझे भरोसा देके जाता हूं कि मैं फिसलूंगा नहीं, मैं तेरा ही रहूंगा, तेरे पास ही वापस आऊंगा। और इस तरह से विलायत जाता है मोहन, और वो उसका वाकया बहुत अच्छी तरह से बापू ने लिखा है कि कितना डरे हुए थे, कितना सहमे हुए थे, कि जब बोट पे सवार हुए तो पहले पूरे हफ्ते भर के लिए अपनी केबिन के बाहर नहीं निकलते थे, वो
क्योंकि उनको डर लगता था कि ये घोरे घोरों के बीच में मैं कैसा दिखूंगा, कुछ गलत कर दूंगा, किसी को बुरा लग जाएगा, मैं तो मेरे साथ बदसलूक हो जाएगा। इस डर से वो केबिन में से भी नहीं निकलते थे, इतने सहमे हुए होते। तो ये निश्चय कर लिया उस बोट वॉयज में, ये निश्चय कर लिया कि मैं वैसा बन जाऊंगा, उनके जैसा बन जाऊंगा, ताकि मेरे साथ कोई भेदभाव ना करे। तो जाने के बाद वकील की पढ़ाई करने आने वाला व्यस्त हो गया इंग्लिश जेंटलमैन बनने में। तो सबसे पहले ये महसूस हुआ कि इंग्लिश जेंटलमैन बनना है तो मुझे सूट चाहिए, क्योंकि इंग्लिश जेंटलमैन सुबह एक कपड़े पहनता है, दोपहर को दूसरे पहनता है, शाम को डिनर का सूट उसका अलग होता है। तो ये सब चीज हमें पहननी पड़ेगी, उसके लिए टॉप हैट चाहिए। तो पहली डिमांड घर पे आती है कि सूट बनवाना है, टॉप हैट बनवानी है, पैसे लगेंगे। अब एक बार पैसों का इंतजाम कर दिया गया, पर अब वापस डिमांड आई, पहले सूट बूट टोपी, फिर दूसरी डिमांड, जेंटलमैन बनना है तो वायलिन बजाने का सीखना पड़ेगा, इसलिए वायलिन लेसन्स के लिए पैसे लगेंगे, पैसे भेजो। वो हुई जुगाड़ करके, वो हो गया। उसके बाद डिमांड आई कि यहाँ सब जो जेंटलमैन है वो बॉलरूम डांसिंग करते हैं, मुझे तो मैं कदम के पैर कैसे उठाना ये नहीं आता, मुझे ट्यूशन लेना पड़ेगा, क्लासेस ज्वाइन करने हैं, पैसे भेजो। अब शायद घर पे ये सोच में पड़े होंगे कि इसको अंग्रेज बनाने के लिए भेजा है या वकील बनाने के लिए भेजा है। तभी तीसरी डिमांड आती है कि जेंटलमैन यहाँ के जो होते हैं वो घड़ी को सोने की चेन से बांधकर अपने सूट पे लटकाते हैं, मेरे पास चेन नहीं है, मुझे चेन भेजो सोने की। देखिए दोनों अपनी जगह पे सही है, मोहन विलायत में है, सहमा हुआ है, डरा हुआ है, उसे ये लगता है कि अगर मैं इन अंग्रेजों जैसा नहीं लगूंगा तो वो लोग मेरे ऊपर भेदभाव करेंगे और मैं सीख नहीं पाऊंगा, मुझे सीखना है तो उनके जैसा होना पड़ेगा, वो ये कोशिश कर रहा है। घर पे ये दुविधा है कि इसको हमने वकील बनने भेजा था कि अंग्रेज बनने भेजा था, और ये सारी बातें कब तक चलती रहेगी, हम कब तक देते रहेंगे, क्योंकि इस एक तरफ मोहन की डिमांड्स पूरी होती जा रही है, दूसरी तरफ घर में गरीबी बढ़ती जा रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ बेचकर ही मोहन के लिए नए पैसों का इंतजाम हो पाता, और ये मुमकिन है कि कस्तूर के गहने ही बिके जाते होंगे, क्योंकि वो इतने अमीर पिता की बेटी थी कि जब उस पिता को पता चला होगा कि जमाई को पढ़ने के लिए मेरी बेटी के गहने बेच दिए गए, तो उससे डबल गहने बना के उससे भेजे होंगे अपनी बेटी को, कि मेरी बेटी गहने के बगैर नहीं रह सकती, उनकी ताकत थी, उनकी क्षमता थी। फॉर्चुनेटली उसकी जिंदगी में हमेशा जो होता रहा, देर आए दुरुस्त आए वाला मामला मोहन के साथ भी होता है, और अचानक से उसको ये समझ आती है कि मैं इंग्लैंड जेंटलमैन बनने नहीं आया हूं, मैं इंग्लैंड वकील बनने आया हूं। और फिर डेडिकेटेडली वो वकालत की पढ़ाई करना शुरू करते हैं, और ये कि मुझे जल्दी पढ़ाई पूरी करनी है क्योंकि मेरे फैमिली को सहारा देने मुझे जाना है वापस, तो एकदम से ऑब्सेस्ड होकर पढ़ाई करते हैं, ना सिर्फ वकील की पढ़ाई करते हैं, ये भी करते हैं कि अंग्रेज की मैट्रिक होना बहुत जरूरी है, तो अंग्रेज की मैट्रिक के लिए भी उत्तीर्ण होते हैं, अंग्रेज की के लॉ की पढ़ाई करनी है तो लैटिन सीखनी पड़ेगी, इसलिए लैटिन का भी कोर्स करते हैं और सीखते हैं लैटिन, ताकि लैटिन में लिखा हुआ मूल जो कायदा है वो पढ़ सके और समझ सके। यानी ये फितरत आप देखिए कि जिसके पीछे पड़ जाता था वो उसके पीछे इस हद तक घुस जाता था कि और किसी का कोई मायना नहीं रखता था, एंड टू द फुलेस्ट वो करते थे वो, पर
वो ऑब्सेशंस को भी सपोर्ट फैमिली ने करना पड़ता था, जो सबसे लियनेस्ट होते थे उनको उसको सपोर्ट करना पड़ता था। तो मोहन वकील बन जाता है, लैटिन सीख जाता है, मैट्रिक भी हो जाती लंदन यूनिवर्सिटी से उनकी, और खुश भी बहुत है कि मां को दिए हुए वचन और पत्नी को दिया हुआ वचन निभाया है। तो वापस जाके ये उनको बताना है कि मैं फिसला नहीं, मैं वचनबद्ध रहा और वादा निभाया है मैंने। पर बंबई आने पर यह पता चलता है कि मां तो गुजर गई थी, और मां के गुजरने का समाचार इसलिए मोहन को दिया नहीं गया था क्योंकि डर था कि गम का मारा वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के चला आएगा मां के जाने के गम के कारण। और बापू अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मां को वचन पूर्ति का की बात करना पाना मेरे जीवन का एक अधूरा कार्य मैं समझता हूं। पर जब वो वापस आता है, मोहन जब वापस आता है, तो राजकोट के परिवार के लिए एक बहुत गहरा सदमा है। और मैंने, क्योंकि मुझे सब चीज ड्रामेटाइज करने की और इमेजिन करने की एक आदत है, तो मैंने वो सीन इमेजिन किया कि जब मोहन राजकोट पहुंचता है घर पे, तो उसको लेने बंबई तो उसका बड़ा भाई आया होता है, और बंबई से नासिक माँ का श्राद्ध और तर्पण करके उसके पहले न्याति की क्षमा मांग के शुद्धिकरण करके उनको वापस न्याति में लेने की जो रसम निभानी थी वो सारी निभा दी होती है। उसके बाद वो लोग राजकोट पहुंचते हैं। राजकोट पहुंचने के बाद कस्तूर को अपना पति पहचाना नहीं जाता क्योंकि एकदम से अलग ही सूट बूट वाला जेंटलमैन वापस लौटा है, जिसमें कोई छवि जो मोहन गया था उसकी दिखती नहीं है। सिर्फ उसकी नजर में जो प्यार है उससे उसको एतवार होता है कि यही मेरा पति है, और फिर संसार चालू होता है। अब सबको आशा है कि मोहन वकील बन जाएगा, वकालत शुरू कर देगा, घर का पूरा की घर की जिम्मेदारी उठा लेगा, परिवार की जिम्मेदारी उठा लेगा। पर मोहन क्या करता है, पूरे परिवार को अंग्रेज सिविलाइज्ड बनाने की मुहिम शुरू करता है। सबके लिए जूते ले आया होता है कि अब से तुम नंगे पैर घूमोगे नहीं, जूते पहन के चलोगे, और हर रोज जूते पहन के परेड करवाता है बच्चों को, बड़ों को, सबको। घर में जमीन पर बैठ के खाने की प्रथा थी, बोले ये जाहिलों की प्रथा है, हम अब से डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाएंगे। डाइनिंग टेबल कुर्सियों का इंतजाम करता है और साथ कांटे छुरी लेके आया है। तो रोटली शाक काटे छुरी से खाने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। दो तीन महीनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। कस्तूर सोचती रहती है कि ये काम कब करेगा, ये अंग्रेजी बनाएगा हमको या काम भी करेगा। आखिर में एक दिन वो उसको पूछती है कि कुछ काम वाम का सोचा है तुम्हें, काम करने के लिए, काम कर सको इसलिए इस पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भेजा था, तो वकील कब बनोगे तुम। तब एक नया सदमा, और मोहनदास उसको कहता है मैं वकील नहीं बन सकता, मैं वकालत नहीं कर सकता। अब यह क्या हो गया, तब पता चलता है कि बंबई में वकील बनने की कोशिश की, एक मुनासिब भी मिला, पर जब कोर्ट में गया तो जज के सामने एक अक्षर भी बोल नहीं सका, और पैर कांपने लगे और जुबान चिटक गई, और 10 मिनट तक मेड प्लीज योर ऑनर इतना भी ना कहने के बाद मुवक्किल का केस छोड़कर कोर्टरूम से भाग के पलायन हो गया था। बोले अब मैं कैसे वकील बन सकता हूं, मैं उस कोर्ट में कभी जा ही नहीं सकता, इतनी बुरी तरह से नाक कटवा के मैं भागा हूं वहां से। अब वापस जो भविष्य है उसके ऊपर शून्य, क्या होगा, घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे निभेगा। फिर एक असफलता,
हर मकाम पर असफलताओं का दौर ही चलता जा रहा है। अब सोचिएगा कसूर के लिए ये कितना चिंता का विषय होगा, क्योंकि अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी सासू उसके ऊपर छोड़ दी गई है कि तेरा पति आएगा और इस पति परिवार को संभालेगा, अपने दो भाइयों के परिवारों को भी वही संभालेगा, क्योंकि उसे विलायत भेजने में उसके दो भाइयों ने भी बलिदान दिए और उनका अधिकार होता है कि उनके परिवार का भी पोषण ये भाई करे। और निकम्मा निकला, क्या किया जाए। पर एक खूबी थी मोहनदास में, एक खूबी इंग्लैंड से आ गई थी, पत्र व्यवहार। वो बोल नहीं सकता था लेकिन पत्र बहुत खूब लिखता था, लेख बहुत खूब लिखता था। तो उन्होंने वो शुरू कर दी, कारकुनी शुरू कर दी, पिटीशन लिख के देना, पत्र व्यवहार, ऑफिशियल पत्र व्यवहार लिख के देना। उस जमाने में ज्यादा लोगों को अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए ठीक ठाक कारोबार चलने लगा राजकोट में। लेकिन इतने बड़े परिवार का भरण पोषण हो सके और समृद्धि आ सके इतना नहीं था। उसमें अचानक साउथ अफ्रीका से बुलावा आया कि साउथ अफ्रीका में दो जो अमीर इसम थे, व्यापारी थे, उन्हें एक देशी वकील जो अंग्रेजी कानून सीखा हो वैसा चाहिए, जरूरी था, क्योंकि उनके अंग्रेज वकीलों को देशी हिसाब और देशी रस्में समझाना और उन वकीलों की बात इन सेठों को समझाने के लिए, जो आदमी अंग्रेजी और अपनी मातृभाषा समझता हो वैसे की जरूरत थी। लेकिन एक फेल्ड लॉयर जो अपना एक केस भी नहीं लड़ा सकता था, उसकी बात दक्षिण अफ्रीका का तक पहुंची कैसे, ये नामुमकिन था उस जमाने में, क्योंकि भारत में और बहुत दिग्गज वकील थे जो इसकी जगह ले सकते थे। मेरा ये अनुमान है कि एक व्यक्ति था जिसके कांटेक्ट सागर पार अपने धंधे के लिए कारण का अटे हुए थे और उसकी कीर्ति दक्षिण अफ्रीका तक भी पहुंची हो उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जो वो दो मुवक्किल थे वो भी काठियावाड़ी ही थे, अब्दुल्ला सेठ और उनका भाई। मेरा ये मानना है कि कस्तूर के पिता को ये पता चला होगा कि दक्षिण अफ्रीका में मेरे जमाई के लायक एक नौकरी है, उसे वहां भेज दो तो शायद वो कुछ कर पाएगा, यहां तो कुछ कर नहीं रहा। तो राजकोट में मोहनदास के पास दक्षिण अफ्रीका से वो बात अगर आती है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जाके अपनी बेटी की चिंता के वश उसके पिता ने ये अरेंजमेंट करी होना बहुत मुमकिन बात है। पर कस्तूर के लिए एक दूसरा सपना वापस वियोग। अब एक बेटा जन्म चुका है, दूसरा बेटा कोख में है और फिर से पति को घुमाना है, फिर से पति को विदेश भेज देता है और पति चला भी जाता है विदेश, क्योंकि और तो कोई आसरा ही नहीं है। और फिर परिवार के लिए एक ये भरोसा हो जाता है कि विदेश से पैसा आना शुरू हो जाता है और इतना पैसा आना शुरू हो जाता है कि परिवार की परवरिश ही नहीं, बहुत अमीर बन जाता है परिवार, बहुत ऐशो आराम से जीने लगता है परिवार। तो कस्तूर के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता निवारण हो जाता है कि आखिर में अब कुछ कर रहा है, वो आखिर में कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं, वकालत ही करता होगा ऐसा मानते हैं वो लोग सब, क्योंकि ज्यादा उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। फिर 2-2.5 साल के बाद वो वापस आता है और तब कस्तूर को ये महसूस होता है कि ये वापस बदला है, क्योंकि अब लोगों से के साथ मिलना, पत्र व्यवहार, बातें, घूमना, बड़े बड़े लोगों के को जाके मिलना, ये सिलसिला शुरू हो गया है हिंदुस्तान में, अखबारों में उसके लेख छपने लगे।
तो कस्तूर को यह एहसास होता है कि मेरा पति कुछ ना कुछ तो कर रहा है, क्या कर रहा है कुछ अंदाजा नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ तो कर रहा है। और फिर एक दिन पति बोलता है चलो बिस्तर बोरिया बांधो, हमें जाना है दक्षिण अफ्रीका वापस, लोगों को मेरी जरूरत है वहां। अब आप सोचिए कस्तूर के लिए ये बात सोचिए, जो लड़की के लिए राजकोट विदेश था पोरबंदर के बाद, जो कभी पोरबंदर से निकली नहीं थी, उसे अचानक सात समुंदर पार दक्षिण अफ्रीका में जाना है परिवार को छोड़ के। सिर्फ एक तसल्ली है कि अब आखिर में मेरे और मेरे पति का संसार होगा, मेरे और मेरे पति और मेरे बच्चों का संसार हो पाएगा, मेरा घर हो पाएगा, ये आशा पे वो निकलती है अपने पति के साथ। वो जो यात्रा है उनकी, उसके बारे में वर्णन बापू ने बहुत अच्छी तरह से अपनी आत्मकथा में किया है। पर आप सोचिएगा कि जब वो लोग दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं तो उनकी बोट को गोदी के बाहर रोक दिया जाता है, कहा जाता है कि बंबई में प्लेग हो गया था और हम नहीं चाहते कि आप यहाँ वो प्लेग ले आओ, इसलिए तुम्हें दरिया समुंदर में ही रोक देते हैं। और 22 दिन समुंदर में निकालने के बाद उस बोट को गोदी में लाने की आज्ञा मिलती है डरबन में, और जब वहां पहुंचती है तो पुलिस बोट पे आती है, कप्तान के साथ बात करके कहती है कि मिसेस गांधी एंड द चिल्ड्रन विल लीव द डिसएम्बार्क एंड विल बी एस्कॉर्टेड बाय द पुलिस आउट ऑफ द डॉक्स बट मिस्टर गांधी विल रिमेन ऑन द बोट। कस्तूर को पता नहीं चलता कि विदेश में आई हूँ, यहाँ किसी को मैं जानती नहीं, ये जमीन ये मुल्क ये लोग मेरे लिए सब पर आए हैं, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, दो बेटों को साथ, दो बेटे और दो भतीजे साथ में लाई हूँ, उनको लेके जाके किसी ऐसे के घर में रहना है जहाँ जिन्हें मैं कभी मिली नहीं, जो पर धर्म के। और ये आप याद रखें कि कस्तूर पैदा बड़ी हुई थी एक बहुत ऑर्थोडॉक्स वैष्णव फैमिली में जहां सारी परहेजे प्रैक्टिस की जाती थी, छुआछूत प्रैक्टिस किया जाता था, रसोई की शुद्धता प्रैक्टिस की जाती थी, हर चीज में मर्यादा उमें कस्तूर पली थी। और अचानक विदेश में जहां उसके परिवार का कोई सहारा नहीं है, वहां उसे उसके पति के बगैर किसी परधर्मी के घर उसके सहारे जाने के लिए कहा जा रहा है, जिनको वो इंसान भी नहीं समझती, क्योंकि उसके लिए इंसान सिर्फ उसकी जाति का होता था। गलत विचार था, आज के उपलक्ष में वो बहुत ही गलत विचार था, लेकिन ये हमें समझना जरूरी है कि वो पली बड़ी हुई थी उन विचारों में से, वो अलग से विचार कर कैसे सकती थी, पर उसको जाना पड़ा। रात काटनी पड़ी किसी अज्ञात व्यक्ति के घर पे, ये पता भी नहीं है कि पति को क्या हुआ है, क्यों वो नहीं आता है। दूसरे दिन सुबह पति आता है, फटे कपड़े लहूलुहान, सर पे और चेहरे पे जख्म जैसे किसी ने उसे पकड़ के पीट दिया हो, बहुत ही। पूछने पे कोई जवाब नहीं मिलता, नहीं चिंता मत करो सब ठीक है। पति के घावों को साफ करती हुई कस्तूर के कानों पे आवाज आती है, कोई एक बड़ी भीड़ बाहर जमा हुई है और बहुत गुस्से में नारेबाजी कर रही है, और उसे पता नहीं चलता ये सब क्या हो रहा है। सिर्फ अब ये एहसास होना शुरू हुआ है कि जरूर कुछ बखेड़ा मेरे पति ने किया है, क्योंकि ये इतना भरोसा है उसको उसके पति पर कि ये कहीं ना कहीं जाता है तो बखेड़ा खड़ा करके ही आता है। अब क्या किया तुमने कि तुम्हारी जान के पीछे पड़ गए ये लोग। अभी हंसी आ रही है हमें, पर आप कस्तूर की हालत सोचिएगा उस वक्त में, उस संजोगों में, उसके मन के ऊपर क्या बीती होगी वो सोचिए कि कैसे जिएंगे हम अगर यहां मेरे पति की जान के पीछे ऐसे वो लोग पड़े हुए हैं, तो हम जिएंगे कैसे और हम क्यों आए हैं यहां पर।
और फिर पुलिस आती है और कहती है कि मिस्टर गांधी यू विल हैव टू वेयर अ पुलिस यूनिफॉर्म एंड एस्केप फ्रॉम दिस हाउस विद अस इनकॉग्निटो बिकॉज अदरवाइज अलोंग विद यू द मॉब इज गोइंग टू बर्न डाउन द होल हाउस. एंड बापू चले जाते हैं एंड उसके बाद कमिश्नर भीड़ को शांत करके वापस भेजता है, तब जाके कुछ शांति होती है और बा और बापू एक आते हैं और तब जाके पहली बार कस्तूर को ये मौका मिला होगा कि वो पूछे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये सब क्या है, क्या किया है तुमने, क्यों लोग तुम्हारे ऊपर इतने गुस्सा है, क्यों लोग तुम्हें मारना चाहते हैं. और तब शायद उसे वास्तविकता पता चली होगी कि अब मेरा मर्द जो है, जो मेरा शौहर जो है, वो कुछ खास व्यक्ति बन गया. वो एक माँ, वो जो मोहन के साथ मैंने शादी की वो ये नहीं है, ये लोगों से लड़ता है, अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है. अब अधिकारों की लड़ाई क्या होती है, पर अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है ऐसी बात करता है. ये क्या हुआ, ये चमत्कार किसने किया, इसके ऊपर जादू टोना हुआ है, क्या हुआ है क्या पता, लेकिन ये बदल गया और मुझे इसके साथ ही रहना है अब, क्योंकि पराया मुल्क में आई हूं, इसे ही जानती हूं, इसके सिवा किसी और को नहीं जानती. पर एक आश्वासन है कि अब उसका खुद का एक घर है और बड़ा घर है, भव्य घर है. आज भी अगर आप डरबन में जाएंगे, आप वो घर तोड़ दिया है, वहां एक छोटा सा म्यूजियम बनाया हुआ है, लेकिन बहुत ही बड़ी हवेली डरबन के समुन्द्र किनारे से नजदीक, क्योंकि समुन्द्र किनारे पर सिर्फ गोरों को घर बनाने की इजाजत होती थी, इसलिए समुन्द्र किनारे से नजदीक ये घर था, ये बापू का, पर बहुत शानदार घर था जिसमें गांधी परिवार रहता था. पर थोड़े दिनों के बाद एक और शौक कि वो घर तो सबके लिए खुला रहता था, कोई भी आता था, कोई भी रहता था, जिसे चाहे वो ले आते थे और कह देते थे ये हमारे साथ रहने लगेगा, ना जात की पहचान, ना धर्म की पहचान, ना कौन सी नाती का है उसका खबर. और वो लोग सिर्फ घर में मेहमान की तरह नहीं रहते थे, घर अपना ही मान के रहते थे, रसोई में भी घुस आते थे, सब चीज करते थे. एक वैष्णव स्त्री के लिए ये कितना मुश्किल बात होगी, ये आप सोचिए. उसमें सबसे बड़ी मुश्किल जिसके बारे में वो जानती है कि जिसको हिंदुस्तान में हम अछूत कहते हैं, उस जात का है इंसान, मेरे घर में मेरा पति ले आया है और रखता है उसे. और उस जमाने में घरों में टॉयलेट्स नहीं होते थे, इसलिए रात में चेंबर पॉट बिस्तर के नीचे रखा जाता था, तो अगर पेशाब करना हो तो उसमें करके सुबह वो खाली करके साफ कर दिया हो, कर देना होता. अब जनरली लोग खुद का चेंबर पॉट खुद साफ कर लेते थे सुबह में, पर ये जो आदमी था वो नहीं करता था. और कस्तूरबा ने घर की सफाई करते वक्त दो बार ये देखा कि वो चेंबर पॉट एकदम भरा हुआ था और सफाई नहीं हुई थी, तो उन्होंने बापू को शिकायत की कि तुम्हारा मेहमान जो है वो चेंबर पॉट साफ नहीं करता और पूरा घर महक रहा है उसके कारण. एक और झटका कि गंदगी का एहसास तुम्हें हो रहा है तो सफाई तुम करो. देखिए कल्चरल शॉक का सोचिए कि जिस चीज को कभी अपने जन्म में नहीं करने की बात से बड़ा हो रहा, बड़ी हुई पली बड़ी लड़की को उसका पति कहता है कि तुम्हें गंदा लगता है तो साफ करो, महापाप. और मना करने पर क्या होता है, वो कहती है मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं करूंगी. तो हाथ पकड़ के रात को घर के बाहर दरवाजे के बाहर फेंक दिया जाता है और दरवाजा बंद कर दिया जाता है कि अगर नहीं करोगी तो इस घर में तुम्हें कोई स्थान नहीं. कस्तूर के बारे में सोचिए आप, विधायक है राजकोट में, वो ऐसा करता तो पोरबंदर जाने की क्षमता उसमें थी, अपने पिता के पास जाके रहती तो उसका पिता उसकी जिंदगी भर अपने पास रखता, उसे मोहन की जरूरत नहीं पड़ती. विलायत है, कहां जाए, जब रोती है गिड़गिड़ाती है तो मोहन की भी एक फितरत है,
कि गलती करता है लेकिन जल्दी से उसको ये भी हो जाता है कि नहीं गलती हुई है, मेरी गलती हुई, तो पश्चाताप भी करता है, तो दरवाजा खुलता है और दोनों तरफ आंसुओं के साथ एक दूसरे के लिए जो प्यार है उसका इकरार होता है। और मोहन कहती है, कहता है कि मैं मेरे गुस्से पर काबू करने को सीखूंगा, और कस्तूर कहती है कि मैं सफाई करूंगी आज के बाद, पर सफाई लटके मुंह नहीं कर सकती, हंसते मुंह प्रसन्न रह के सफाई करनी। अब उसमें भी कैसे करना है वो भी तुम कहोगे, और तुम कहोगे वैसे ही करना होगा। देखिए ग्रेजुअली चेंज आता है, पर यहां तो एब्रप्टली चेंज करने पे फोर्स किया जा रहा है फॉर द गुड। ये जाती नहीं है, ये बुरी आदत तोड़ने की कोशिश है, और बुरी आदत तोड़नी होती है तो कठोर तरीके से तोड़नी पड़ती है। पर लुक एट इट फ्रॉम कस्तूर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड शी स्टिल डज इट। और वहां से एक जर्नी दूसरी शुरू हो जाती है पूरी, क्योंकि अब पता चलता है कि ये वकील के साथ साथ नेता बन गया है, जंग लड़ता है सर।